मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली बिरसा तहसील में मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार सब तहसील कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे समस्त कोटवारों द्वारा 4, 5 एवं 6 अक्टूबर को क्रमिक भूख हड़ताल करने की सरकार को चेतावनी दी गई। कोटवारों द्वारा अनेकों बार शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया, किंतु आज पर्यंत उन्होंने शासकीय कर्मचारी का पद न देते हुए उनके ऊपर कुठाराघात किया है। आज की महंगाई में उन्होंने अपनी 2 प्रमुख मांगे सामने रखी है। मध्य प्रदेश के समस्त कोटवारों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, इसमें विलंब है तो कलेक्टर रेट के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए, कोटवारों को प्रदाय की गई भूमि को भूमि स्वामी होने का हक दिया जाए। उपयुक्त मांगों के संबंध में बिरसा तहसील के समस्त कोटवारों द्वारा 6 अक्टूबर तक भूख हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी गई है। कोटवार हमारी मांगे मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ तहसील बिरसा, हमारी मांगे हैं मध्य प्रदेश के समस्त कोटवार शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, यदि इसमें विलम्ब है तो हमें कलेक्टर रेट बराबर प्रासंगिक दिया जाए, और है भूमि, जो भूमि कोटवारों को दी गई है उस भूमि को भूमि स्वामी हक होने के स्पष्ट मांगों के संबंध में तहसील बिरसा के समस्त कोटवार आज दिनांक 4 से लेकर 6 तक तहसील बिरसा के तहसील प्रांगण में आज पंडाल लगाकर यह सभी कोटवार तहसील बिरसा के एक साथ हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी ये मांगे हैं कि हमने मध्य प्रदेश शासन के पास कई बार तक के अपनी मांगे रखे, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, और सरकार ने जब सुनवाई नहीं की तब हम यह निर्णय किए कि हम क्यों न 3 दिवसीय हड़ताल रखें, ताकि यह सूचना मध्य प्रदेश शासन को जाए और शासन हमारी जो 2-3 मांगे हैं वो पूरी क्यों न करें। हमारी मांगे हैं कि हमको कलेक्टर रेट के बराबर वेतन दिया जाए और शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और जो शासन से जो मिली भूमि है उसको भूमि स्वामी किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और यदि मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करोगे? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम मध्य प्रदेश शासन में फिर दोबारा आंदोलन चालू करेंगे संघ के माध्यम से। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बालाघाट से विमल तिलस्सी की रिपोर्ट।